एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रेरणा कोचिंग सेंटर में। तो आज हम फिर से शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। किसका? करंट अफेयर का। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी कब मनाया गया है? कौन सा डे? इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। जो डे ऑफ न्यूट्रलिटी है ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 12 दिसंबर को। कब मनाया गया है? 12 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 12 दिसंबर। तो हम समझेंगे जो दिसंबर मंथ है इसके कुछ इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। क्या मनाया जाता है 1 दिसंबर को? एक दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। एड्स दिवस, जो विश्व एड्स दिवस है कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। कब हुई थी? 1988 में। किसके द्वारा? विश्व संगठन स्वास्थ्य, सॉरी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा इसकी स्थापना की गई। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1988 में। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यानी WHO के द्वारा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। आगे और देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट डेज। 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या, विश्व जनसंख्या संरक्षण दिवस। क्या मनाया जाता है? सॉरी, विश्व जनसंख्या नियंत्रित दिवस। दिसंबर को विश्व संरक्षण दिवस। तो 3 दिसंबर को, सॉरी, 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व संरक्षण दिवस। और 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर मौलिक अधिकार दिवस। मौलिक अधिकार दिवस, जो मौलिक अधिकार दिवस है कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 12 दिसंबर। तो इसके बारे में देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय मामलों में तटस्थ रुख अपनाने, वैश्विक शांति को बढ़ावा देने। किसको? वैश्विक शांति को बढ़ावा देने और राजनयिक माध्यमों से संघर्ष समाधान को बढ़ावा देने वाले देशों के महत्व को क्या?
उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को, कब, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध एड्स कार्यकर्ता डॉक्टर गाओ याओशी का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? एड्स कार्यकर्ता डॉक्टर गाओ याओशी का जो निधन है वो कितनी उम्र में हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 93 वर्ष की उम्र में। कितनी? 93 वर्ष की उम्र में। तो मैं उस क्वेश्चन में नहीं बता पाई, जो एड्स दिवस है इस बार की जो इसकी थीम है वो है लेट कम्युनिटीज लीड। ये क्या है? एड्स दिवस की 2023 की थीम है इस बार की। उन्नीस सौ नब्बे के दशक में ग्रामीण चीन में एड्स वायरस महामारी का पर्दाफाश करने वाली प्रसिद्ध चीनी डॉक्टर कहा कि चीनी डॉक्टर और कार्यकर्ता गाओ या ओजी का 93 वर्ष की कितनी 93 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका में, मतलब उनके घर पर ही क्या हो गया, उनका निधन हो गया। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विजय दिवस कब मनाया जाता है? जो विजय दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 14 दिसंबर को। कब? 16 दिसंबर को। जो विजय दिवस है कब मनाया गया है? 16 दिसंबर को। उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत की याद में हर साल क्या मनाया जाता है? 16 दिसंबर को विजय दिवस। क्या मनाया जाता है? विजय दिवस। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसको दिया गया है? जो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ है उसका अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है ट्रेविस हेड को। किसको दिया गया है इस बार का आईसीसी मंथ का जो अवार्ड है इस बार का? ट्रेविस हेड को दिया गया है। किसको? ट्रेविस हेड को। तो आईसीसी के बारे में यहाँ से समझ लेते हैं हम। जो आईसीसी है इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। कब हुई थी? 1909 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है दुबई में। कहां पर है? दुबई। आईसीसी का हेड क्वार्टर कहां पर है? दुबई में। इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग बारकले। कौन है? ग्रेग बारकले। ये कौन है? आईसीसी के चेयरमैन। ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप विजेता कहा के ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप विजेता स्टार ट्रेविस हेड, जो ट्रेविस हेड है कहा के है? ऑस्ट्रेलिया के। महीने के दौरान अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर नवंबर 2023 के लिए, कब? नवंबर 2023 के लिए आईसीसी पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ चुने गए हैं। कौन? ट्रेविस हेड। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की स्पिनर नाहिदा अख्तर को आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये है बांग्लादेश। कहाँ की है?
बांग्लादेश की है, जो स्पिनर नहीदा अख्तर है कहाँ की है, बांग्लादेश की। बांग्लादेश के बाएं हाथ की स्पिनर नाहिदा अख्तर को नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली बांग्लादेशी महिला बनी है। कौन सी नंबर की पहली बांग्लादेशी महिला खिलाड़ी बन गई है, कौन, नाहिदा अख्तर। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कबीर बेदी, हाल ही में किस देश ने कबीर बेदी को द ऑर्डर ऑफ मेरिट, द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। तो वो कौन सा देश है जिसने कबीर बेदी को द ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया है, तो वो है इटली। कौन सा देश है, इटली के द्वारा, किसके द्वारा सम्मानित किया गया है, इटली के द्वारा। मुंबई में आयोजित एक निजी समारोह में, ये कहाँ पर हुआ था, मुंबई में आयोजित निजी समारोह में कबीर बेदी को नागरिकों को दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है।